मॉर्निंग, और यहाँ पे सुल्ली भाई न्यू यूट्यूबर, क्या बात है। करो करो कैप्चर करो। सुल्ली भाई डाउन है, सुल्ली भाई तो वोल्टिंगो हो गया है। वोल्टिंगो, अच्छा वोल्टिंगो, रात में इंगो इंगो चला था इसलिए वोल्टिंगो हो गया। नहीं टिच्चू टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर से जाएंगे आप? नहीं, नहीं। अंग्रेज है भाई, अंग्रेज है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सनराइज है भाई, होने वाला है अभी, जो हुआ नहीं है, है ना? हो जाएगा, बस निकल तो गया है। हाँ होने ही वाला है, होने ही वाला है। तो रात में यहाँ पे माहौल बना था भाई, दोनों गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी, एक टेंट ऊपर लगा हुआ था, यहाँ अंदर हम लोग सोए थे, और ये हमारा बेड था, इसमें हम सो गए थे लंबे होकर के। दो लोग सोए हुए थे, विक्रम जी और हम। सोने नहीं दिया हमें जा देता। नहीं नहीं, जस्ट नींद, सुबह तो सुबह जो नींद आती है ना उसमें देखो, जिंदगी में पूछा जाए कि ये भाई साहब कब सुबह उठे थे 6 बजे, आज हम जल्दी उठे ना, हम सबको उठा दिया। आज इन्होंने ढसा भाई सबको, है ना, आज सुबह सुबह ढस लिया भाई साहब। और सुबह ऐसे चक्कर ऐसे आ रहा ना खतरनाक, जब उठा ना भाई, चलो कोई बात नहीं, अब कट गया तो कट गया। क्या हुआ भाई? भाई रात में ऐसी हालत थी, एक बार उल्टी हुई, मैं मनी को गलती से पूछ लिया, ऐसे कभी पूछता नहीं। मैंने कहा भाई कोई दवाई है जिससे उल्टी रुक जाए, एक ऐसे दी, और साला इतना गंदा दवाई, कह रहे खाना नहीं है जीप पे रखना है। भाई उसको खाते के साथ मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मैं 10 बार उल्टी किया, एक बार फिर 20 बार। फिर पता क्या, गाड़ी में गाड़ी रुकवा, मैं भाई सब बैठा ही नहीं जा रहा, इतना गंदा दवाई दिया, ये बदला लिया। बताएंगे तभी तो मना कर दिया, नहीं 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 हम ठीक है, हम ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है, ठीक का है, ठीक का है, करने वाले हैं। क्या दिया मैं? सही है, है ना भाई? कुछ खेला आपने, खेल खेला भाई आपने, खेला 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 किया आपने, खेला खेला हुए भाई, एक्सपीरियंस कैसा था? जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। सुबह हो चुका है, धूप बहुत तेज आ चुकी है, यहाँ पे सोए सोए थक गए, अब हम कुछ खा, कुछ खाने, कुछ चाय वाय बना लो यार, या बता दो मेरे को, मैं बना दूँ। पहले चाय ना बना ले, चाय बना लो, सैंडविच तो, सैंडविच तो मैं फटाफट गर्म कर दूंगा, जैसे ही चाहो फिर इसको नीचे रख दीजिए, उसको ऊपर रख लीजिए, उसको पहले धो ले, बंद करो, बंद कर दीजिए। साला पूरा गाड़ी गर्म हो गया, मुझे लग रहा है सुली तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे चार लेना पड़ेगा। अरे जिसकी घोड़ी वही ना चाहे, बियर बियर। हां, अरे वो भाई लोग आए थे ना, वो हाँ कोई आया था सुबह, दिल्ली से सब्सक्राइबर आए थे, बहुत सही। पता है बोले थे सुल्ली भाई कहाँ है, हमारे सुल्ली भाई कहाँ है, वो जो रात में टेंट लगाते हैं, लाइट वाइट लगाते हैं, वो है कहाँ भाई? गजब बंदा था वो भी, मर्डर हो गया उनका वो भाई, और वो क्या बंदूक भी थी उसके पास ना, लाइटर था, अच्छा लाइटर था, सही है भाई। लेकिन निकाला तो बंदूक जैसा था, निकाला बंदूक जैसा था, मैंने चुपके से मनी भाई को बता दिया कि लाइटर है, उसको फिर उसको शायद हमारा सुन गया था तो उसे सोचा पोपट इससे पहले वापस अंदर रख देता हूँ, ये पहली बंदूक वाले हैं। चाय के बाद कुछ बनेगा क्या? चाय के बाद जो बोलोगे नेक्स्ट वो उस पर लग जाएंगे, आप बताओ कैसी है। नहीं ये इसको सैंडविच भी है, उसको गर्म करेंगे भाई, रेजर खुद ही मार लेते हो। हाँ, पराठे भी तो आदत हो गई होगी, रेजर नहीं वो मशीन है ना, मशीन से करते हैं। पराठे भी बचे हैं ना, बचे। हाँ तो बस ठीक है, पराठे और ये सैंडविच दोनों गर्म कर लेंगे, हो गया काम अपना। उसमें मीट लगा या कुछ और बनाना है? नहीं मेरे पास ना ऑप्शन उपमे का भी है और पोहे का भी है, और वो वाली मैगी है क्या? नॉर्मल वाली नहीं, वो नहीं है। नहीं नहीं वो जो कप वाली आती है ना, कोई बात नहीं, अगर इससे पेट नहीं भरा पालते हैं ना बहुत सारा, तो उसके बाद फिर चॉइस हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं, तो वो अभी है ये, इसे गर्म कर लेंगे। पोहा है, पास्ता है, वो जो आपको चाहिए कप नूडल वो भी है, तो है ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत कुछ है ऑप्शन। चाय बन जाए उसके बाद फिर आगे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। देखो भाई हम ना इको फ्रेंडली हैं, तो सारा डस्टबिन मतलब जो भी होता है इसमें डालते हैं, कोई भी बाहर नहीं डालते हैं, हम इतने सभ्य लोग हैं, है ना। ये पैकेट बाहर रह गया मनी भाई, कौन सा ये किसने किया है, ये है कौन, कौन है ये? देखो इको फ्रेंडली लोग जो नहीं है उसने किया है ये। तो ये कौन आया था यहाँ पे, ये मैं नहीं जानता भाई, है ना। सो 5 बजे शाम से जो बैठे हुए थे यहाँ पे लोग, वो थे कौन? विकास भाई बैठे थे, और अकेले बैठे थे, अकेले बैठे थे विकास भाई। सुलझ था, सुलझ था ना, वही मुझे भी लग रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मिक्स करने स्वाद अनुसार अपनी अपनी चीनी डाल लीजिए कप में। विकास भाई इस पे नजर नजर, वो पता चला उबल गया वो पूरा।
भाई को तो मुंह में छान दो ना, सुलेश भाई भाई को तो मुंह में छान दो। अरे भैया है ना, उसको तो इतना गर्म चाहिए कि मुंह में छान दो। एकदम गर्म चाय चाहिए भाई, मजेदार लग रहा है भाई। सड़ती हुई भाई क्या, मैं तो चीनी लेता नहीं, मैं तो चाय पीता नहीं, चाय भी नहीं पीता। चीनी मिक्स करने के लिए ये भी है मेरे पास, ये देख रहे हो, चीनी मिक्स करने के लिए लीजिए। आइसक्रीम खाऊं क्या इससे? नहीं नहीं, चीनी मिक्स करना है। कैफे कॉफी डे है, उससे कम नहीं है हम लोग। अरे वो तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अरे छान लीजिए जल्दी, ठंडा हो रहा है। देना देना देना। चाय 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 चाय, एक गरम चाय, सबसे घटिया चाय आ गया भाई। चाय चाय वाला, बस 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 बस। एक सेकंड मुझे भी स्टिक देना। इस तरह से शेयरिंग इज केयरिंग। डालो डालो, उधर से सैंडविच भी गरम हो रहा है भाई। क्या बात है, जबरदस्त, परफेक्ट आ गई ये तो बिल्कुल। जिसने चीनी डाली मिक्स कर ले, किसने चीनी डाली है? मेरे में डाली है। चलिए अब सैंडविच गरम हो रहा है भाई। हां मस्त गरम हो रहा है। अरे मैं पकड़ता हूं ना, करता हूं। आप कोई ना पलट देते हैं ना, चीनी डाल ली थी, पलट दिया था मैंने उसको, अभी साइड पलट दिया था। गरम चाय की प्यार भाई, लो गरम सैंडविच ले लो अपना, पकड़ो गरम सैंडविच, गरम पकड़ो फटाफट, पकड़ो गरम लग रही है यार। चीयर्स चीयर्स चीयर्स, पकड़ो गरम गरम। अरे गरम सैंडविच, चीयर्स चीयर्स। मैं खाली चाय का पियोगे यार, मैं बोलूंगा। हां हां सैंडविचेस खाएंगे ना। पास्ता वास्ता भी है भाई? पास्ता है, पास्ता है, पास्ता है। इटालियन खाना है किसी को? सब बना दूंगा मैं अभी। हां अभी बना देता हूं। पैकिंग करने का समय आ गया भाई, सब कुछ पैक करते हैं। भाई हाँ जी, मैं कुछ तो सामान पकड़ा रहा हूँ, बस ये कहीं भी रख दो, चाहे बोनट पे रख दो अभी के लिए। ठीक है ठीक है, ये बोतल तो खाली है ना। हाँ। इस खाली बोतल को इधर रख दिया, वही इसको पी लेता। हाँ जो बचा गया है उसको पी लीजिए। हमने तो, अरे भाई साहब गजब, इसको बोलते हैं कैंपिंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग हो गया क्या आपका इतना खाने के बाद फिर? अच्छा सामान वामान पैक करते, सब कुछ फैला पड़ा है इसमें, खाने पीने की चीज़। इसी से हमने ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया है, अब इन सब को समेट करके और अब आगे बढ़ा जाए, चला जाए अगले डेस्टिनेशन पे। बहुत सारा काम है यार, समेटना तो ये एक अलग दुनिया का टास्क है ना। एक घंटे का काम है पूरे, मतलब जिस समय खोल रहे होते हैं उस समय तो सोचा ही नहीं जाता है ना, बस सबको खोल के फेंके जाओ फेंके जाओ फेंके जाओ। हाँ सामान सारा पैक हो चुका है, टेंट भी जो है फोल्ड हो गया भाई, और इतने सारे लोग लगे हुए थे टेंट को दबाने में। विक्रम जी बोले मेरे लिए नया नया है ना, फर्स्ट टाइम आ रहा है, कहीं ज्यादा ना खींच दूं मैं। हां ज्यादा ना खींच दूं, जान ज्यादा है ना मेरे अंदर। हां सही बात है, पावर ज्यादा है ना। अरे ससुरा क्या कर रहे हो, टॉर्क टॉर्क ज्यादा है, बहुत अच्छा है ना। है भाई मैट बहुत अच्छा है विक्रम भाई, आप देखिए मैंने थार में डलवाया था, लेकिन मैं एफसी में, हां भाई हां भाई, 700 में डिफरेंट मैट डलवाऊंगा, नूडल मैट, नूडल नहीं तो एक दूसरा है यार। अच्छा 700 में ये नहीं डालोगे? नहीं क्यों, एक 70 डालोगे? हां 70 नहीं, एक दूसरा मैट है। हो गया अच्छा, एक और वेरिएंट आया है मार्केट में। नहीं मार्केट में नहीं है वो, मेरे को डीएम वाले जो भैया है ना वो दे रहे हैं। अच्छा वो उनके गाड़ी 700 में है, बहुत जबरदस्त मैट है यार भाई, ये इजी टू मेंटेन है, सीधी सी बात, बहुत बहुत इसमें दिख जाता है ना, नूडल में दिखता नहीं है। मेरे साथ यही दिक्कत है कि लेट से साफ होता है नूडल मैट तो। यार पता क्या है, नूडल मैट तो बस यूं है जब कहीं जा रहे हो ना, साफ नहीं करना 4-5 दिन तो फिर लगवा लो। सही बात है यार, मिट्टी अंदर ही इकट्ठी होती रहती है, अंदर 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 होती रहती है, तो अच्छी बात है ना, बाहर नहीं निकल रही, अंदर ही है ट्रिप के लिए सही वो है। वो खराब भी बहुत जल्दी होता है, वो कटता है वहां से। अरे नहीं मैं तो 3.5 साल 3 साढ़े 3 साल 4 साल से यूज कर रहा हूँ। आपका रियर सीट तो यूज ही नहीं होता है? नहीं मेरा तो सिर्फ फ्रंट सीट, ड्राइविंग सीट यूज होता है, सीट अलग चीज के लिए यूज होता है, हां सामान वामान रखने के लिए यूज होता है, लगा रहता है बट मेरा तो बस पता है मेरे सीट में ना, मतलब चारों पांचों सीट अगर देखा जाए ना तो मेरा जो ड्राइवर सीट है ना वो दब गया है। हां मतलब उसी में से बैठे होते हम तो, बाकी जगह तो लेटा रहता है ना, बाकी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो तुरंत कैमरा ऑन हो रहा है, एडिटिंग में कटेगा ये? नहीं नहीं नहीं, एकदम एकदम रॉ जाएगा। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे, पूरा धुआं धुआं किए हुए है ना विकास भाई, एकदम ले लिया ना काली गाड़ी का नजायज फायदा उठाया जा रहा है। और क्या, नहीं सामने वाली भी काली ही है, ऐसा नहीं कि काली नहीं है, इसका भाई ये साफ रखते ना, ज्यादा गंदी करनी है। अच्छा पूरा धुआं धुआं उड़ाए हुए हैं, और तो पेटेंट है विकास भाई का धुआं उड़ाना। तो अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं, मोस्ट प्रोबली कनातल ही होगा, ये लोग टेहरी के लिए हम बोल रहे थे बट टेहरी इनको पसंद नहीं आया, बोले नहीं वहाँ गर्मी होगी,
तो कनातल ही चलते हैं, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वहीं पे चल लेंगे। ये वो टेहरी डैम है और इस बार आया, हर बार आते हैं तो यही लगता है कि यार इस बार और पानी कम हो गया, और पानी कम हो गया। तो लास्ट टाइम जो है वहाँ तक ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसके लेवल तक पानी हुआ करता था, और इस बार आए हैं तो और भी कम है। मोस्ट प्रोबली थोड़ा सा बारिश के टाइम में ये पानी भरता है, बट अभी तो ठंड का टाइम है तो ग्लेशियर वगैरह पिघले नहीं होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा पानी कम हो, बट वाटर लेवल ड्रास्टिकली कम हो रहा है इसमें, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ये एक कंसर्न की बात है कि पानी कम हो रहा है तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, नहीं तो लबालब भरा होता था यार, जब भी आया हूँ मैं तो लबालब भरा होता था। मतलब अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे जो है वो जो मार्किंग है उसमें ना हमेशा ही जो है मार्किंग से ऊपर पानी हुआ करता था, बट इस बार तो मतलब देखने को ही नहीं मिल रहा है कि वहाँ पानी ख़त्म है वहाँ से। तो चला जाए, इस रास्ते से हमेशा आते थे और यहाँ पे गाड़ी लगा के हम वहाँ पे बैठा करते थे। लास्ट मेरे ख्याल से 2016-17 में भी हम यहाँ आए थे, उस समय भी पानी की हालत इतनी ख़राब नहीं थी, बट हाँ पानी कम हो रहा है, एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और ये वो दाग है जो स्कूटर वाले भैया ने देखे गए, बच गया। अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए बच गया, ऊपर से लगा नहीं है, लगा नहीं है, बच गया, यहाँ लगा था हल्का सा बस। कैसा है भाई डोसा? मतलब समझा नहीं है, जो भूख लगी तो सब अच्छा नहीं, नहीं यार वो सब मैं ये बात बोला था, टेस्ट कल भी टेस्ट मैटर नहीं करता है ना, कल भी भूख लगी थी पर कल लंच ठीक नहीं था, ये उससे तो बेटर है। हां उससे तो बेटर है। कल वेट कितना करना पड़ेगा? 1 घंटा। यहां पे अब गाड़ी लगाने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। मेन पॉइंट तो यही है यार, यहीं पे फंसती है गाड़ी, और कटता है, कटता है, तो काट देंगे। कट गया आप तो कितना का तो काट दिया। बॉन्सर की लकड़ी है आपके पास? हाँ सब यही पे लगा लेंगे बॉन्सर।